डायरेक्टली पंड्यन हु वॉज द मेन कॉन्स्पिरेटर, जो संपूर्ण रूप से जो ये मर्डर का जिम्मेदारी लिया था और अरेस्ट भी हो चुके हैं, उनके साथ सीएमएचएम ऑफिस के साथ सीधा संपर्क, और सीएम ऑफिस के साथ जो आरोपी है वो क्यों बार बार संपर्क में रहते थे। तुलसी प्रजापति केस में यदि इतने सारे फोन कॉल रिकॉर्ड्स का सबूत था तो आज तक क्यों उसके आधार पे किसी प्रकार का सही इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया? हर चार्जशीट में सीएम के नाम आता कि उन्हें मारने लोग आए थे, तो सबसे जो लाभ मिला होगा किसी को राजनीतिक तो वो सीएम को ही मिला है। फोन कॉल रिकॉर्ड जब देख रहे हैं हम लोग सभी का, तो कहीं ना कहीं ऑफिस के साथ संपर्क दिख रहा है। तीसरा, उनके खुद के एमओएस सीधा एक्यूज्ड बन के बने हुए हैं, और आखिरी में जो फोन कॉल रिकॉर्ड हम दिखा रहे हैं आज के दिन पे, उनके ऑफिस से 70 कॉल केवल 6 महीने में होता है, 70 कॉल्स। तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके इन्वॉल्वमेंट है।